हेलो दोस्तों, बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर और इस मॉडल पेपर को हम सरल करेंगे बहुत ही आसान भाषा में और आसान ट्रिक के साथ कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये फॉर्मूला हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का क्या होता है, टेन यूनिवर्स एक्स प्लस सी। अब इसका हम 0 से पाई बाई 2 के मध्य इसका समाकलन करेंगे तो ये जो कॉस एक्स है इसको हमने मान लिया टी। नीचे वाले सीमा जैसे x बराबर 0 रखा तो cos 0 होता 1 बराबर t। इसी प्रकार ऊपर वाले सीमा क्या आएगी, पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है, ये t की वैल्यू है। अवकलन करेंगे तो cos x का हो गया माइनस साइन x dx और t का हो गया dt। अब सीमा हमारी क्या हो जाएगी, नीचे वाली सीमा तो हो जाएगी 1 और ऊपर वाली हो जाएगी 0। तो जब हम इसकी इसका मान रखेंगे वापस उसमें तो ये हो गया माइनस dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, मतलब cos x का मान t था, ये माइनस तो है ये और इसका सूत्र लग गया तो ये क्या हो गया tan इनवर्स t और नीचे वाली सीमा 1 ऊपर वाली 0। अब हम ऊपर वाली सीमा को पहले रखेंगे तो ये हो गया tan इनवर्स 0 माइनस करके नीचे वाली सीमा tan इनवर्स 1, तो ये माइनस तो है ये, tan इनवर्स 0 0 होता है, माइनस tan इनवर्स 1 का मान हो गया पाई बाई 4, माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो ये पाई बाई 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन हो गया पाई बाई 4, ये सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिख रखा है उसे दबा दीजिए।